नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं DLED तृतीय सेमेस्टर के लिए जो हमने मैथ आपका स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें चैप्टर नंबर 10 चल रहा है और जिसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं बीजी भागों को, किस प्रकार से हम बीजी भाग के जो प्रश्न होते हैं उनको हम किस प्रकार से करते हैं, तो वो हम सीख रहे हैं। और आज इस चैप्टर का वीडियो नंबर लास्ट होने वाला है, 10 वीडियो, ये 10th वीडियो है आपका। इससे पहले 9 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसमें जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हम करा रहे हैं, और आज क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम इस वीडियो में करा करके ये आपका चैप्टर आज हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 11 आएगा, तो आप ये वीडियो अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो पाएँ और आसानी से आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख पाएँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो देखिए साथियों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भाग की संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि, क्या ज्ञात कीजिए कि एक्स प्लस सिक्स कॉमा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 42 का ये गुणनखंड है, यानी इसका ये गुणनखंड है या नहीं है, ये भाग की संक्रिया यानी भाग देते हुए आप इसको आपको इसको पता करना है कि ऐसा है या नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो हमको भाग की प्रोसेस को पूरी अपनाना है, उसके बाद हमको ये चीज़ बतानी है। तो देखिए, इसे सॉल्यूशन में सेम टू सेम उतार देते हैं, और अगर ये गुणनखंड होगा तो इसकी एक कंडीशन होती है कि इसका जो शेषफल आना चाहिए वो आपका हमेशा शून्य आना चाहिए, और जब शून्य आएगा तभी ये उसका गुणनखंड होगा। इस प्रकार से जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 से भाग दे, 4 दूनी 8, यानी ये कम्प्लीटली कट गया, यहाँ 0 शेष बचा। जब 0 शेष बचता है तो इसका मतलब ये है, ये जो 4 है वो क्या है, 8 का फैक्टर है, यानी 8 का फैक्टर है 4, यानी जो 4 है वो 8 में है, उपस्थित है। तो इस तरीके से ये कंडीशन हो गई इसकी, यानी कि जब हम ये बीजी भाग हैं तो इसमें हम देखेंगे भाग दे करके कि ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। अगर डिवाइड करेगा तो ये गुणनखंड होगा उस जो व्यंजक दिया गया है, और अगर नहीं कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो ये व्यंजक नहीं होगा। यही दो कंडीशन बनेगी, तो इन दो कंडीशनों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन को देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक्स प्लस सिक्स से आपको भाग देना है। इस जो समीकरण यहाँ पे दिया गया है, पूरा ये इक्वेशन आपको दी गई है, इसमें आपको व्यंजक में भाग देना है। तो पहले हम देखते हैं कि हमको एक्स स्क्वेयर बनाना है, तो एक्स स्क्वेयर बनाना है तो हम इसमें एक्स से भाग दे रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमें भागफल में क्या रखना होगा। तो हमको भागफल में एक्स रखना होगा, एक्स को हमने रख लिया भागफल में। देखिए, तो यहाँ पर आपकी एक्स रखी हुई है, अब यहाँ पे एक्स का मल्टीपल करेंगे इंडिविजुअली। पहले हम एक्स का मल्टीपल करेंगे एक्स में, तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, फिर एक्स का सिक्स में मल्टीपल करेंगे तो 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम माइनस के साइन के साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा पूरा पोर्शन, और यहाँ पर देखेंगे माइनस का 6x है, ऊपर माइनस का x है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 7x बन जाएगा। तो माइनस का 7x बट्टे में हम किससे भाग दे रहे हैं, तो एक्स से। तो एक्स से काटो, x कट जाएगा, मतलब हमें जो भागफल में लेना है वो हमको अब माइनस का 7 लेना है। तो माइनस का 7 हमने ले लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, इसे इंडिविजुअली दोनों में मल्टीपल कर देंगे, यानी अलग अलग दोनों में मल्टीपल कर देंगे। तो हमने इन दोनों को मल्टीपल करना है, तो हम पहले 7 का करेंगे माइनस एक्स में, तो माइनस का 7x हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे 7 का 6 में, 7 6 42, माइनस के 42 हो जाएंगे। अब इनमें हम साइन चेंज कर देंगे, इसे प्लस का कर देंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस के तो कटेंगे तो है नहीं, तो इसमें हम प्लस कर देंगे इन दोनों को, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, यानी शेषफल जो हमारा होगा वो आपका शून्य हो जाएगा। अतः ये क्या है, ये जो x प्लस आपका 6 दिख रहा है, ये आपका इसका गुणनखंड है, ये जो आपको व्यंजक दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सत्य है आपका, हाँ लिख देंगे, हाँ ये क्या है, ये इसका व्यंजक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है इसने, यानी क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है कि 4x-3, इस जो व्यंजक है इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम भाग देंगे, देख लेंगे, अगर 0 बचेगा तो व्यंजक है, नहीं बचेगा तो हरी हरी, मतलब फिर नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं कि हमको बनाना है 4x² और बट्टे में हम 4x से भाग दे रहे हैं, देखते हैं क्या हमें भागफल में लेना है। देखिए, 4 से 4 कट जाएगा, एक्स से काटेंगे तो एक्स कट, ये एक्स स्क्वायर वाला कट जाएगा, यानी एक्स से हमें करना है, इसमें क्या करना है, एक्स से हमको इसमें भागफल में ले लेना है। तो इसको इसमें पहले मल्टीपल करेंगे, फिर इसको इसमें मल्टीपल करेंगे। तो पहले देख लेंगे, तो माइनस का 4x² हो जाएगा, और 3 में जब मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। तो इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, माइनस और इसे प्लस कर देंगे, और प्लस इसे क्यों कर रहे हैं, बता चुका हूँ कई बार कि ये माइनस है ऊपर, इसलिए नीचे प्लस कर देते हैं। तो
ये दोनों पोर्शन कट जाएगा, ये पोर्शन पूरा कट जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं माइनस का 13x ऊपर है और प्लस का 3x नीचे है, तो यानी अब बचेगा माइनस का 10x, क्योंकि 13 ज़्यादा है माइनस का और जो प्लस का आपका है 3 है, तो इसे जब घटाओगे तो आपका 10 ही तो बचेगा। तो हाँ, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 10x लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, माइनस का 10x, 10x बनाना है और भाग दे रहे हैं माइनस के 4x, मतलब 4x से भाग दे रहे हैं, एक्स से एक्स कट जाएगा। और इसे 2 से काट लेंगे तो ऊपर कट जाएगा माइनस का 5/2 नीचे 2, यानी माइनस के 5/2 ले लेंगे हम भागफल में। तो वही देखिए, भागफल में हमने यहाँ पे लिया हुआ है माइनस के 5/2, तो 5/2 आप सीधा मल्टीपल करेंगे, तो 4x में जब मल्टीपल करोगे आप माइनस के 5/2 से, 2 से इसे काटोगे, 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10, ये माइनस का हो जाएगा आपका 10x। तो तभी ये माइनस का 10x लिखा हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5/2 जो माइनस का है इसका हम मल्टीपल करेंगे माइनस के 3 में, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा तिरपचे 15, 15/2 क्या हो जाएगा 2, किसका हो जाएगा प्लस का 15/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 15/2 हमने यहाँ पे लिख दिया, अब इसके साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपस में। अब यहाँ पे देख रहे हैं माइनस का 12 ऊपर है और माइनस का 15/2 नीचे है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। जब दोनों दोनों को आप जोड़ोगे आपस में तो ये आपका बन जाएगा माइनस के 39/2 शेषफल, जिसमें शेषफल आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो व्यंजक दिख रहा है उसका ये 4x/3 ये गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली इसे डिवाइड नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये जब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करे तो वो उसका गुणनखंड नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में भी दे रहा है, ये आपको भाग देने वाली संख्या है और ये आपका पूरा व्यंजक दिया गया है, इसमें आपको भाग देना है। तो जब भाग अगर कम्प्लीटली जाता है तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। चलिए हम भाग देते हैं, सीधा देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ से भाग की प्रोसेस शुरू होती है, तो माइनस का यहाँ 2x माइनस का 5 और हमको बनाना है 4x/4। इसमें हम दे देंगे 2x से भाग, क्योंकि हमें भागफल में देखना है हमको क्या लेना है। 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और x से काटोगे तो ये 2/x³, यानी हमको प्लस का लेना है 2x³। तो 2x³ हमने प्लस का ले लिया। अब इसका इंडिविजुअली दोनों में हम मल्टीपल कर देंगे, यानी अलग अलग इसका मल्टीपल कर देंगे, पहले इसमें मल्टीपल कर देंगे फिर इसका इसमें मल्टीपल उठा के कर देंगे। तो इसमें करोगे तो आपका 2 दूनी 4 और x/4 हो जाएगा, और जब 5 में करोगे 5 दूनी 10 x/3 हो जाएगा ये वाला पोर्शन आपका। अब यहाँ पे माइनस और जहाँ प्लस साइन चेंज कर लेंगे, ये कट जाएगा पोर्शन पूरा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर माइनस का 10x³ है और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा प्लस का 10x³ है, तो ये भी आपस में कट जाएगा। अब ये आपके पास बचा हुआ है तो इसे डिटो नीचे उतार लीजिए। जब इसे आप नीचे उतार लेंगे तो अब हमको बनाना है माइनस का 10x² और बट्टे में 2x से भाग दे रहे हैं, तो भागफल हमको क्या लेना है तो देख लेते हैं। 2 पंजे 10 माइनस का 5x से काट देंगे x, यानी माइनस का हमें लेना है 5x। तो 5x हम माइनस का ले लेंगे, तो ले लिया हमने। अब इसका इंडिविजुअली दोनों में मल्टीपल कर देंगे, यानी अलग अलग दोनों में मल्टीपल कर देंगे, इसमें फिर इसमें, तो दोनों में मल्टीपल कर लीजिए। पहले ही अगर आप 2x में करोगे तो 5 दूनी 10 माइनस का 10x² हो जाएगा, ये आपका आ गया। इसके बाद आप जब 5 में करोगे तो माइनस का ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा 25x। तो यहाँ पे ये आपका पोर्शन माइनस के साइन चेंज करने के बाद ये कट जाएगा, प्लस का कर दिया ये माइनस हो गया। तो ऊपर देख रहे हो प्लस का 30x है और नीचे देख रहे हो माइनस का 25x है, तो प्लस में से माइनस का जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, प्लस का बचेगा 5x, ठीक है। तो अब 5x के पोर्शन पे हम यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो। अब हमको क्या करना है, माइनस यानी 5x हमको बनाना है, बट्टे में 2x से भाग दे रहे हैं, तो इसमें देखें 2 से 2 काट देंगे, तो हमें 5/2 से हमको क्या करना है, इसमें हमें प्लस से भागफल में ले लेना है, तो हमने वही ले लिया है। अब इसमें दोनों में इंडिविजुअली इनका दोनों का मल्टीपल कर देंगे, यानी 2x में आप 5/2 का मल्टीपल करोगे, ठीक है। तो आपका जो ये बन जाएगा वो आपका बन जाएगा क्या, यहाँ पे आप देखें 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 5x, 5x आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका 5x हो जाएगा, और 5x के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। और जब इसका हम करेंगे मल्टीपल किस में, माइनस के 5 में, तो माइनस का 5 × में 5/2, तो ये कटेगा नहीं, तो माइनस का ये हो जाएगा 25/2, माइनस का 25/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25/2 यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं माइनस, और इसे भी माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा पोर्शन पूरा।
तो इसे दोनों को हम जोड़ लेंगे आपस में। अब तो ये माइनस माइनस के दोनों को जोड़ के सॉल्व करेंगे तो माइनस के 55/2 आपका शेषफल बच जाएगा, यानी ये गुणनखंड इसका नहीं होगा क्योंकि इसमें माइनस का साइन माइनस यहाँ बच रहा है, इसलिए शेषफल बच रहा है इसलिए नहीं होगा। तो ये इसका क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो ये गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसे सॉल्यूशन में सेम टू सेम इसे उतार देना है आपको। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे ऊपर बढ़ा के इसमें आप भाग देना चालू करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2z² + 5 से आप भाग दे रहे हो, और आपको बनाना है 6z^5, 6z^5 बनाना है। 3z से आप भाग दे रहे हो, 3z² से, तो इसमें 3 से आप काटोगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और इस z² से आप इसे काट देंगे तो आपका z^3 बचेगा, यानी 2z^3 से आपको क्या करना होगा, भागफल में इसको हमको लेना होगा। देखिए इसे हमने भागफल में ले लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे इंडिविजुअली आप मल्टीपल कर दीजिए एक एक करके। पहले हम इसमें कर देंगे वन वाले में, तो 3z² में अगर आप 2z³ से मल्टीपल करेंगे तो आपका 6z^5 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब इसे 5 में मल्टीपल करोगे तो 5 × 10 10z³ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, साइन चेंज कर देंगे इसके, और माइनस का इधर साइन होगा तो देखेंगे ऊपर यहाँ पे 16z^z³ लिखा हुआ है, यहाँ पे 10z³ लिखा हुआ है, ये माइनस का है तो ये आपस में घट जाएगा। तो 15z^4 तो सेम टू सेम उतार लेंगे, उसके बाद प्लस करके 6z^q, यानी ये आपका उतर जाएगा। इसके बाद जितना भी यहाँ पे बचा हुआ है उसको सेम टू सेम डिट्टो यहाँ पे नीचे उतार लेना है आपको एक बार। अब आपको क्या करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बनाना है 15z^5, तो ले लेंगे 15z^4 बनाना है आपको, और आपके पास है 3z², तो आप इसे काटेंगे 3 से तो ये 5 बार कट जाएगा, और इसे z² से इसे काट देंगे तो ये z² बचेगा यहाँ पे। तो 5z² से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भागफल में ले लेना होगा, तो इसे ले लिया। अब इससे क्या करेंगे, इसका इंडिविजुअली यानी एक एक करके एक एक बार इसे मल्टीपल कर देंगे, पहले इसमें कर दो फिर इसमें कर दो और यहाँ पे लिख दो। तो पहले आप मल्टीपल करोगे तो 5 × 15 z^4 हो जाएगा, और माइनस का आपका हो जाएगा 25 25z², तो 25z² की जगह हमने z² की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, तो ये आपका कट जाएगा साइन चेंज करने के बाद। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 6z³ ये आपकी सेम टू सेम उतर जाएगी, और यहाँ पर माइनस का 25z² है, ऊपर प्लस का 4z² है, तो ये घट जाएगा ये, तो 21z² बचेगा। इसके बाद जो भी बचेगा उसे डिट्टो यहाँ पे उतारेंगे। अब हमको बनाना है 6z³, और हमारे पास क्या है वैल्यूएशन, यहाँ देखेंगे तो 3z², 3 से काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा, और इससे काटोगे तो ये जेड जेड बचेगा, यानी 2z से आपको अब मल्टीपल करना होगा। तो 2z से यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए। आप जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप करेंगे तो देखिए 2z से करेंगे, 3 × 6 हो जाएगा और 6z³ हो जाएगा, और एक बचेगा आपके पास 5 × 10 10z, तो 10z के नीचे ही यहाँ पर जेड वाले पोर्सन के नीचे जेड वाला पोर्सन लिख दिया, माइनस का साइन इन दोनों को ये आपस में कट जाएंगे। अब कटने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, उतार लिया सीधा 21z² - 35, तो यहाँ पर 21z² करना है आपको, आपके पास है 3z², ठीक है। तो 3 से काटोगे तो ये 7 बार कट जाएगा, और z² से z² उठ जाएगा, यानी आपको 7 लेना होगा। आप 7 किसका लोगे आप, तो यहाँ पर आप देखोगे ये माइनस का 21 है आपका, तो माइनस का ही आप लोगे। तो देखिए माइनस का लेने के बाद इसका हम मल्टीपल कर लेंगे, और मल्टीपल करने के बाद आपको पड़ेगा 21z² माइनस का 35, यानी कि 7 का जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये 35 बनाएगा। तो अब इनके साइन चेंज करके इन दोनों को आपस में काट देंगे, यानी जो हमारे पास शेषफल आएगा वो 0 आएगा, अतः ये गुणनखंड होगा, ठीक है। तो ये उस जो व्यंजक दिया गया है उसका गुणनखंड ये कहलाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हो ई नंबर में दिया हुआ है आपको x² + 3 और x⁵ - 9x का गुणनखंड है या नहीं है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, भाग दे के देख लेंगे। तो भाग दे के देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे x² + 3 इससे भाग देंगे तो x⁵ आपको 5 बनाना है, और आप x² से भाग दे रहे हो, तो यानी x⁴ से आपको क्या करना है, भागफल में ले लेना है। तो इसे भागफल में लिया तो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो x⁵ बन जाएगा, और फिर इसे 3 में जब मल्टीपल करेंगे तो यह आपका आ जाएगा माइनस का मतलब प्लस का 3x² x³ से मल्टीपल कर रहे हैं ना, इन साइन चेंज करने के बाद ये कट जाएगा, और यहाँ पर देखें तो -3x³ डिट्टो उतर जाएगा,
और माइनस का 9x उतर जाएगा। अब हमको बनाना है माइनस 3x³, और बट्टे हम बाकी से दे रहे हैं तो एक्स स्क्वायर से दे रहे हैं, तो माइनस का 3x, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा ये, और यहाँ से 3 बचेगा पूरा, तो माइनस का 3x से आप क्या कर देंगे इसे भागफल में ले लेंगे, और भागफल में लेने के बाद इसका इंडिविजुअली मल्टीपल करेंगे, पहले इसमें मल्टीपल करेंगे फिर इसमें मल्टीपल करेंगे, दोनों मल्टीपल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3x³ माइनस का 9x, क्योंकि साइन चेंज करने के बाद ये आपस में कट जाएंगे, यानी 0 बचेगा रिमाइंडर में। अतः ये इसका क्या होगा, भागफल होगा, क्या होगा, अतः ये इसका भाग मतलब ये क्या होगा, भागफल क्या होगा, ये इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 10 आपका ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे, और 11 में हम सीखेंगे सांख्यिकी के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, समांतर माध्य, माध्य बहुलक है, और आपका इस तरह जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट आएंगे वो हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।